गरीबों के फ्रिज मटके आज लुप्त होने के कगार पे हैं। सरकार की अनदेखी के चलते वह बाजार में प्लास्टिक के बर्तन आने के कारण कुमार समुदाय का यह पुश्तैनी धंधा आज बंद होने की डगर पर खड़ा है। मैं भी कुमार समुदाय से संबंध रखता हूँ। मुझे पता है मिट्टी लाने से लेकर बर्तन बेचने तक पूरा परिवार कितनी मेहनत करता है, लेकिन बाजार में प्लास्टिक के बर्तन, फ्रिज व कैंपर आने के चलते हमारे बर्तनों का कोई ग्राहक नहीं मिलता या फिर हमें उन्हें सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है। बुजुर्गों का मानना है कि मटके के पानी से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, इसमें रखा पानी काफ़ी समय तक खराब भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग फ्रिज व कैंपर के चिल्ड पानी को ही प्राथमिकता देने लगे हैं। दीपावली पर घरों में मिट्टी के दिए में ही घी डालकर जलाए जाते थे, लेकिन उनका स्थान भी प्लास्टिक की बनी लड़ियों व मोमबत्तियों ने ले लिया है। आज भी अधिकतर शादियों में लोग कुम्हार के घर में आकर उनके चाक की पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी इनके बने बर्तनों से लोगों को इतनी नफरत क्यों? पता है जी, सब महंगाई हो रही है, मट्टी है, बढ़ता है, लकड़ी है, सब चीज़ मौलगी हो रही है, बर्फ़ की फैक्ट्रिया होगी, सब चीज़ मटकाएंगे तो मतलब कोई वैल्यू नहीं है। अपना तो रोज़गार ये है, रोज़गार बंद होने की सलाह है ना, हमारे को कुछ इसमें कमाई दिख रही है ना, हमारी सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती है ना, हमारे को मिट्टी देती है ना, कोई जगह देती है, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे गांव में मिट्टी दूसरे गांव से लेते हैं जी, 1000 रुपये ट्राली वाला देता है, और फिर 2-3 आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके ट्राली 1500 रुपये ट्राली पड़ती है मिट्टी की, करें क्या? हमारे को मिट्टी नहीं देने लग रही, मेन मकसद तो मिट्टी का, मिट्टी पर बर्तन बनाए किस चीज़ की? लाउनी बिकती नहीं, कढ़ाउनी बिकती नहीं, एक घड़ा घड़ा सीधा ही बिके, दूध मिलो है, देखसा मिलो है, तत्ता करे देखसा मिलो करे, ये करिए बना के। और पहले क्या थे? पहले हमारा बड़ेरा कराया करता तो मिट्टी के बर्तन चलिया करता, लिहाज होया करती, सो चीज मिलिया करती, कणक भी लिया, गुड़ की भेली भी दे देता, तूड़ी भी लिया, कट्टा कणक का दे देता। लकड़ी भी 6 रुपये किलो हो रहे हैं, मंडी में अड़ंगा लेते हैं, घास फूस लेते हैं, ये मंडी में ठेका छुटने लग रहे हैं, कमेटी वाले ठेका छुटाते हैं इसका, हमारे से वो बालमी जो मशीनों पर काम करते हैं ना, आज मंडी के अंदर जाते 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, पहले फैक्ट्री में नौड़े बनौड़े अड़ंग बड़ंग लेते थे, वो भी फैक्ट्री वाले भी नहीं ठाने देते थे। मैं सरकार से मांग करूँगा कि कुम्हार समुदाय को मिट्टी व जगह उपलब्ध करवाई जाए, व लोगों से अपील करूँगा कि वो आधुनिकता की चकाचौंध को छोड़कर देसी व मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करें व इनका महत्व समझें। मैं सत्यवान वर्मा, बुड्ढाखेड़ा जिला हिसार, हरियाणा से इंडिया अनहर्ड के लिए।